Good morning students, in your 4th standard EVS subject, in our previous video, we already started chapter number 14, it's part 1 we already finished, up to chapter page number 115 we already finished. Now today we have to start about part 2 of this same chapter, chapter number 14, Baswa's farm. In that, page number 116 we have to start now. नाउ इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने प्रीवियस वीडियो पार्ट वन में हमने सीखा था कि वहाँ पे आपको कुछ दिखाया था कि जो ऑनियन के जो पार्ट सीड्स थे उसको हम कैसे बोलते हैं और वो ग्राउंड में उसका ग्रोइंग कैसे होता है, उसके साथ वीड्स निकल आता है और फिर हम उसको ग्राउंड में से कैसे रिमूव टेक आउट में उसको कैसे निकालते हैं, वीड्स को कैसे रिमूव करना है और उस टाइम पे बासवा और उनके सब फैमिली मेम्बर्स वो सब क्या करते थे और उसके आपा को हेल्प करने में लगे थे जो ऑनियंस थे उसको बाहर निकालने में और सभी जगह पे वो लोग अपने आपा को हेल्प कर रहे थे. और आपका एक क्वेश्चन बाकी रह गया था वही टॉपिक का कि डू यू एन्जॉय डूइंग दैट वर्क. आप लोग अगर फैमिली अपने फैमिली मेम्बर को ऐसे कुछ हेल्प करते हो तो उसमें आपको एन्जॉय मिलता है, तो आपका आंसर है इधर कि यस आई लाइक टू डू दोज वर्क्स. यस मुझे ये काम करना अच्छा लगता है. पेज नंबर 116 का फर्स्ट आंसर है यस आई लाइक टू डू दोज वर्क्स. यस मुझे ये काम करना अच्छा लगता है. नाउ द ऑनियन क्रॉप, अभी ऑनियन क्रॉप के बारे में आपको दिया है. एवरी वन एट होम इज हैप्पी, घर में सब लोग क्या थे, खुश थे. दिस टाइम द ऑनियंस आर बिग एंड हेल्थी, इस टाइम घर में जो ऑनियंस के जो हमने हमें जो मिला था वो ऑनियंस सब क्या थे, बहुत ही बड़े और हेल्दी थे. अम्मा एंड आंटी यूज द लीफ टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन. जो टॉप ऑफ द ऑनियन पे, जो ऑनियन के टॉप पे आपको जो ड्राइड लीव्स में सूखे पत्ते दिखते हैं वो लोग क्या करते हैं उसको कट करते हैं. किसका यूज़ करके, इलिंग का यूज़ करके. नाउ इलिंग का मीनिंग क्या होता है, जो हमारे एरिया में हम बोलते हैं दातरडा, उसको आप क्या बोलते हो, जैसे कि हम सिक्कल बोलते हैं हमारे एरिया में, हम लोग क्या बोलते हैं सिकल. सिकल मीन्स जो दातरडा हम यूज़ करते हैं फार्म में उसको कुछ कट करने के लिए, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट थे उनके एरिया में, वो लोग क्या बोलते थे उसको, इलिक बोलते थे कर्नाटका में. द इलिक इज शार्प एंड यू हैव टू बी केयरफुल नॉट टू कट योर फिंगर्स. इलिक क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है एंड यू हैव टू बी केयरफुल, और आपको ध्यान रखना होता है नॉट टू कट योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स कट ना हो जाए उसका हमें ध्यान भी रखना पड़ता है. अप्पा एंड अंकल फिल द सैक विथ ऑनियंस. जो सैक थे वो ऐसे थैले भर रहे थे ऑनियन का, जो ऑनियन लेके आए थे उन सब का वो लोग ऐसे थैलों में भर रहे थे. अप्पा विल टेक देम इन ए ट्रक टू सेल इन द बिग मार्केट. अभी आपा क्या करते हैं, वो जो उन्होंने थैले भरे हैं उन सबको वो ट्रक में भर रहे हैं. उनको क्यों भर रहे हैं, क्योंकि उन सबको उनको बेचना है बड़े मार्केट में. राइट आंसर्स इन योर नोटबुक. तो उसमें फर्स्ट है वाई इज बासवा नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज. बासवा थोड़े दिनों के लिए स्कूल क्यों अटेंड नहीं कर सकता था. सो बासवा इज नॉट एबल टू अटेंड स्कूल फॉर सम डेज बिकॉज ही नीड्स टू हेल्प हिज फादर इन द फील्ड. उसको क्या करना था, अपने पापा को फार्म में हेल्प करनी थी, तभी वो थोड़े दिनों के लिए स्कूल अटेंड नहीं कर सकता था. ये आपका आंसर नंबर टू है पेज नंबर 116 का. थर्ड क्वेश्चन है आर देर एनी फील्ड्स नियर योर हाउस, व्हाट इज ग्रोन देयर. आपके घर के आजू बाजू ऐसा कोई फील्ड है, अगर है तो वो आप उसमें क्या ग्रो करते हो. सो यस देर आर फील्ड्स नियर माई हाउस, वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन दैट फील्ड. तो यस हमारे एरिया में हमारे घर के आजू बाजू ऐसा एक फार्म है और जिसमें मोस्टली क्या वो लोग ग्रो करते हैं, तो वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं. नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 117. इन दैट बासवास आपा टेक्स द ऑनियन टू द मार्केट इन ए ट्रक. थिंक हाउ वुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बी टेकन टू अनोदर प्लेस इफ देयर वर नो प्रॉपर रोड्स. अगर कोई प्रॉपर रोड नहीं होता है तो हम लोग उसको एक जगह पे दूसरी जगह पे अगर हमें उसको ट्रांसफर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको आंसर इधर दिया है. यस देयर आर सॉरी पेज नंबर 117 का फर्स्ट आंसर है इट वुड बी डिफ़िकल्ट. ये क्या होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इन ओल्डन डेज, जो पुराने ज़माने में लोग थे, मीन्स थोड़े दिनों पहले, पीपल यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू सच प्लेसेस बाय बुलक कार्ट्स, डोंकीज, बॉट्स एट्सेट्रा. वो लोग किसका यूज़ करते थे, बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे, डोंकी का यूज़ करते थे और अगर वाटर वाला कुछ ऐसा एरिया है तो वहाँ पर बॉट्स का यूज़ करते थे वो लोग.
सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट काइंड ऑफ व्हीकल्स आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. कौन से ऐसे व्हीकल है जिसका आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को कैरी करने के लिए यूज कर सकते हो. ड्रो ए पिक्चर ऑफ वन ऑफ दिस व्हीकल्स इन योर नोटबुक. बट वो अभी हमें आपको ड्रॉइंग आपको अपने आप अगर करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज चलेगा. इसमें यूजुअली हम लोग किसका यूज़ करते हैं तो टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रक्स, रिक्शा एट्सेट्रा, ये सब व्हीकल का हम लोग यूज़ करते हैं. आर यूज टू कैरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के लिए हम ये सब का यूज़ करते हैं. नाउ फाइंड आउट एंड राइट. गिवन हियर आर पिक्चर्स ऑफ सम इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय बासवास फैमिली. बासवा के फैमिली में थोड़े बहुत आपको इधर इंस्ट्रूमेंट दिए जो वो लोग यूज़ करते थे. राइट द नेम्स ऑफ द इम्प्लीमेंट. ऑल्सो राइट दैट दिस आर कोल्ड इन योर एरिया. ऑल्सो राइट वॉट दिस आर कोल्ड इन योर एरिया. इसको आपके एरिया में मीन्स हमारे एरिया में उसको क्या बोलते हैं एंड वॉट वर्क आर दे यूज फॉर और उसका यूज क्या होता है वो आपको लिखना है. नाउ फर्स्ट आपको ये कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसा कुछ दिया है आपको तो नेम इन दिस चैप्टर. तो ये चैप्टर में हम उसको क्या बोलते हैं, कुरिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, ये चैप्टर में हमें जो वर्ड दिया है वो था कुरिक. एंड हमारे एरिया में हम उसको क्या बोलते हैं तो प्लाउ. जो हम हमारे एरिया में ट्रैक्टर के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाउ बोलते हैं. और उसका यूज़ क्या होता है तो प्लाउइंग. फार्म में आपको प्लाउइंग करना है तो आप इसका यूज़ करते हो प्लाउ या तो कुरिक. दोनों सेम ही हैं बट उसके नेम एरिया वाइज अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट है, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है आयरन रोड वाला, उसका नेम क्या है, हमारे एरिया में क्या नेम है और उसका वर्क क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए चैप्टर में उसका क्या नेम दिखाया है, खुंती. हमारे एरिया में उसको क्या बोलते हैं, कुदाल. और उसका काम क्या होता है, अगर कुछ खड्डा बनाना है तो डिगिंग करने के लिए, तो खुंती ए चैप्टर में नेम है, कुदाल हम हमारे एरिया में बोलते हैं एंड उसका यूज़ होता है डिगिंग के लिए. नेक्स्ट आपको दिया है ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो ये चैप्टर में इसका क्या नेम दिया है आपको, इलीग. हमारे एरिया में हम क्या बोलते हैं, सिकल. जो दातड़ा होता है क्या बोलते हैं उसको, कुछ कट करने के लिए सिकल. एंड उसका यूज़ क्या होता है तो कटिंग वेजिटेबल और ग्रासेस ऑल्सो. वेजिटेबल या तो ग्रास कट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट है पेज नंबर 118. पेज नंबर 118 पे आपको ऐसे कुछ प्रोसेस दी है. मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अलग अलग स्टेप की ज़रूरत होती है. लुक एट द पिक्चर एंड मार्क देम इन द करेक्ट ऑर्डर. तो आपको ये अलग अलग पिक्चर्स दिए हैं उसको आपको कम्प्लीटली ऑर्डर में आपको लिखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा स्टेप आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये कुछ ऑनियन को निकाल रहे हैं कुदाल का यूज़ करके या तो आप बोल सकते हो खुंती का यूज़ करके. ये सिकल से कट करते हैं ऑनियन के क्रॉप्स को. ये सीड्स को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं. देन आफ्टर ये क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो खुंती का यूज़ करके वो लोग जो सॉइल है उसको सॉफ्ट करते हैं. देन आफ्टर इसमें देखो वो क्रॉप को कुछ कट करते हैं, इसमें वो थैलों में सब भर रहे हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉइल को सॉफ्ट बनाएंगे. तो ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप. तो आप टेक्स्ट बुक में इधर लिख देने का, इधर वन नंबर का स्टेप है. इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, ऑनियन के सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे. तो ये सेकंड स्टेप हुआ. अगर वो ग्राउंड वो जो सॉरी वीड्स होता है वो उसमें आ जाता है तो वो क्या करेंगे, इसको कट करेंगे मीन्स निकालेंगे वीड्स को. तो ये आपका थर्ड नंबर का स्टेप हुआ. फोर्थ नंबर में वो क्या करेंगे, जो उसका उसमें से जो ऑनियन के जो होते हैं उसको वो ऐसे ऊपर से कट करेंगे. तो फोर्थ नंबर का स्टेप. फाइव नंबर पे उसको टेक आउट मीन्स बाहर निकालेंगे. तो ये फाइव नंबर का स्टेप. और लास्ट में वो लोग क्या करेंगे, उसको थैलों में भरेंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट अबाउट ए क्रॉप दैट इज ग्रोन इन योर एरिया. ऑल्सो फाइंड आउट स्टेप दैट आर पार्ट ऑफ दिस वर्क एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. अभी हमें ड्रॉइंग नहीं करना है बट ओनली आंसर वी हैव टू राइट डाउन. इन माई एरिया व्हीट, राइस, वेजिटेबल, मस्टर्ड एट्सेट्रा आर ग्रोन. अगर कुछ दूसरा भी अगर आपके एरिया में ग्रो होता है तो वह आप इधर अपने आप लिख सकते हो. पेज नंबर 118 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको ओनली एक ही नोटबुक में लिखना है. हियर योर चैप्टर नंबर
14 is finished. Now next chapter we have to start in our next video. Thank you.